राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तमिलनाडु जल्दी दुनिया की एयर स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। कम खर्च पर छोटे सैटेलाइट बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक एक ही जगह करने के लिए कई प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं। 10 साल में यहाँ 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। लॉकहीड मार्टिन, एयरबस कॉलिंग जैसी विदेशी कंपनियां भारतीय निजी स्पेस स्टार्टअप्स के साथ छोटे सैटेलाइट बना रही है। ये संचार क्रांति साबित होंगे। चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर कुलशेखपट्टनम में 950 करोड़ रुपए की लागत से नया स्पेस पोर्ट, उपग्रह निर्माण और प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी को समर्पित 2 एयर स्पेस पार्क और 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। ये तमिलनाडु को एयरस्पेस डिफेंस सेक्टर में सुपर पावर बनाएंगे। कंपनियां स्पेस जोन रूहमी हाइब्रिड रॉकेट, अग्निकुल प्रिंटेड वन पीस इंजन बनाने के साथ साथ लिक्विड प्रोपल्शन पर काम कर रही है। अग्निकुल केरोसिन फ्यूल वाला रॉकेट बना रही है जो 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित कर सके। भविष्य में इनकी लॉन्चिंग कुलशेखपट्टनम स्पेस पोर्ट से होगी। इससे बड़े उपग्रह प्रक्षेपित होंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।